तो दोस्तों कैसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। दोस्तों आप अगर ASUS 6G को यूज करते होंगे तो आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों ASUS 6G में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है जिसका मदद से आपका फ़ोन का बहुत सारा चीज़ का सुधारने की कोशिश करा गया है और बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी सुधार भी गया है। तो ऐसे में आप अगर ASUS 6G को यूज करते होंगे तो दोस्तों अभी तक से आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है, एक दो दिन और रुक जाए, आपको जरूर मिल जाएगा। और नहीं तो दोस्तों आप अपना सेटिंग का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है ऑप्शन है वहाँ जाकर के एक बार देख सकते हैं कि आपको अपडेट आया कि नहीं आया है। तो ऐसे में इस वीडियो हम लोग किसी अपडेट के बारे में बातें करने वाले कि इस अपडेट के द्वारा क्या क्या चीज़ को सुधारने की कोशिश करा गया है और क्या क्या चीज़ इंप्रूव हुआ है आपका फोन में, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो आप अगर ASUS 6G का यूज करते होंगे और आप अगर इस सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में मतलब जानने का इच्छा रखते होंगे दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे, इसमें कहा कि इस सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में सारी चीज़ आप बड़े आराम से जान पाएंगे। मतलब दोस्तों आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहेंगे तो ऐसे में बड़े आराम से आप जान पाएंगे कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फोन में क्या क्या चीज़ इंप्रूव हुआ है, क्या क्या नया फंक्शन ऐड करेगा, ये सारी चीज़ दोस्तों बड़े आराम से आप जान पाएंगे। तो जो भी है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बिगिनिंग। और इस वीडियो में लोग बातें करने वाले ASUS 6G में जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है उसके बारे में। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट है ना, ये 245 MB के आसपास है। तो ऐसे में 245 MB है तो डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसीलिए दोस्तों जब भी आप अपना मोबाइल को सॉफ्टवेयर अपडेट करने जाइएगा तो कम से कम मोबाइल का बैटरी जो है 60% से ऊपर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों 245 MB है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद दोस्तों इंस्टॉल होगा तो थोड़ा सा लेट उसमें लग सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी आप अपडेट करने जाइएगा अपना फोन को तो कम से कम 60% से ऊपर ही रखिएगा आपका बैटरी। तो जो भी दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं कि क्या क्या इंप्रूव जो है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फोन में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले जो इंप्रूव देखने को मिलेगा वो होगा आपका कॉल क्वालिटी में। मतलब दोस्तों कॉल क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा गया है पहले से। मतलब हम लोग जो बातचीत करते हैं ना फोन में, तो वो जो कॉल क्वालिटी उसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब इंप्रूव करा गया है पहले से। तो आप अगर मतलब फ़ोन से बातचीत करते होंगे सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉल क्वालिटी में कितना इंप्रूव करा गया है। उसके बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इस फोन का जो कैमरा मैकेनिज्म है उसमें भी आपको इंप्रूव देखने को मिलेगा। मतलब दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस फोन का कैमरा जो है पीछे से घूम के पूरा सामने जाता है ऐसे, मतलब रोटेटिंग कैमरा इस फोन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो कैमरा मैकेनिज्म है इसमें भी आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगा। मतलब पहले जो है क्या होता था कि इस फोन का जो कैमरा जो घूम के सामने आता था ना, जो कैमरा मैकेनिज्म है उसमें थोड़ा लेगे लेगेपन देखने को मिलता था। मतलब जो मैकेनिज्म है दोस्तों थोड़ा सा अटकता था, अटक अटक कैसे आता था। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया है दोस्तों अभी फोन में, ये सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद दोस्तों ये जो लेगेपन है, जो अटक अटक था कैमरा दोस्तों, ये आपको देखने को नहीं मिला। काफ़ी स्मूथली हो गया इस फोन का कैमरा मैकेनिज्म। मतलब स्मूथली जो है इस फोन का कैमरा आगे से लेकर पीछे तक आ रहा है, पीछे से लेकर आगे तक जा रहा है। मतलब बड़े आराम से जो है इस फोन का कैमरा जो है आगे से लेकर पीछे तक आ जा रहा है, ऐसे घूम जा रहा है, रोटेट हो जा रहा है, जो भी आप कह लें। मतलब अभी जो है कैमरा में आपको, कैमरा मैकेनिज्म में आपको जो अटकता था पहले, जो लगे लगेपन था वो आपको देखने को बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ये बहुत एक अच्छी बात है दोस्तों। ये मतलब ये एक अच्छी चीज़ है कि ASUS जो है ये सारे चीज़ के ऊपर ध्यान देता है और सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा ये सारी चीज़ को फिक्स करता है। कम से कम रेडमी का जैसा तो नहीं है भाई। देखिए रेडमी जो ये सारी चीज़ को मतलब ध्यान नहीं देता, जो सॉफ्टवेयर अपडेट अपडेट वगैरह है, कस्टमर को जो परेशानी हो रही है इसके ऊपर रेडमी ध्यान नहीं देता। लेकिन ASUS की तो ASUS इस चीज़ के ऊपर ध्यान देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा इस फोन का जो कैमरा है उसमें जो स्टेबलाइजेशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा गया है। मतलब दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं इस फोन का कैमरा में हम लोगों को जो है EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मतलब इस फोन का कैमरा में हम लोगों को जो है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो उसको जो है दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा गया है। मतलब अभी जो है इस फोन का कैमरा में आपको बिल्कुल शेकनेस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब चाहे आप दौड़ते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करें, चाहे आप चलते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करें, मतलब किसी भी कंडीशन में इस फोन का जो कैमरा है उसमें आपको बिल्कुल शेकनेस देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस फोन का जो EIS है पहले से प्रॉपरली काम कर रहा था। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद दोस्तों और भी ऐसे काम करने लगा। मतलब जो शेकनेस होता है ना वीडियो में, जो शेकनेस होता है, जो हिलते रहता है वीडियो आपको, वो जो है बिल्कुल देखने को नहीं मिला। चाहे आप चलते चलते दौड़ते दौड़ते वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इस फोन का जो कैमरा है पूरा स्टेबल रहेगा। तो मतलब इस फोन का जो कैमरा है, इस फोन का कैमरा का जो स्टेबलाइजेशन दोस्तों प्रॉपरली काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इस फोन का मतलब जो वीडियो रिकॉर्डिंग है दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको जो बिल्कुल ही शेकनेस देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इस फोन का जो कैमरा है उसमें जो नाइट मोड है ना उसमें भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा गया है सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से। मतलब दोस्तों इस फोन का जो कैमरा है पहले से उसमें हम लोगों को नाइट मोड देखने को मिल जाता, जो कि काफ़ी अच्छा से काम करता था। लेकिन दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद वो जो है और भी ज़्यादा अच्छा से काम करने लगा। मतलब दोस्तों जो नाइट मोड है उसमें, मतलब नाइट मोड में अगर फोटो खींचेंगे तो पहले से ज़्यादा डिटेल्स जो आपको देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। और दोस्तों जो नॉइस वगैरह होता था ना, नॉइस मतलब नॉइस भी दोस्तों कम आ रहा है अभी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। मतलब दोस्तों फोटो अगर आप खींचेंगे नाइट मोड में तो आपको जो फोटो है ना वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। क्योंकि दोस्तों जो नॉइस वगैरह होता है ना वो नॉइस दोस्तों कम आ रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, और साथ में जो फोटो का डिटेल्स है दोस्तों वो भी बढ़ गया है। मतलब ये सारे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा मतलब कैमरा में। मतलब दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जो कैमरा में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, चाहे वो कैमरा मैकेनिज्म में हो, चाहे वो कैमरा स्टेबलाइजेशन में हो, चाहे वो कैमरा का नाइट मोड में हो। मतलब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इस फोन का कैमरा में।
उसका बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद इस फोन में आपको पावर मैनेजमेंट में भी इंप्रूव देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इस फोन में हम लोगों को लंबी बैटरी देखने को मिल जाता है, मतलब इस फोन का जो बैटरी बैकअप है शुरू से ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद इस फोन का जो बैटरी बैकअप है और भी ज़्यादा हो गया है। मतलब इस फोन का बैटरी जो पहले से ज़्यादा टिकने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस फोन का जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया है ना उसके द्वारा इस फोन का जो पावर मैनेजमेंट है उसको दोस्तों और भी ज़्यादा पहले से इम्प्रूव करा गया है। मतलब इस फोन का जो बैटरी और भी ज़्यादा लंबी देर टिकने वाला है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों इस फोन का जो शॉर्टकट बार है ना उसमें रिट्रैक्ट का कैमरा नाम से एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं ना दोस्तों कि इस फोन का जो कैमरा मैकेनिज्म है वो रोटेटिंग है, मतलब इस फोन का जो कैमरा है पीछे वाला कैमरा घूम के से सामने जाता है। तो ऐसे में इस फोन का जो शॉर्टकट बार उसका रिट्रैक्ट एक कैमरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपका जो रोटेटिंग कैमरा किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी एंगल में हो, रिट्रैक्ट कैमरा का जो ऑप्शन उसमें अगर आप दबाएंगे तो आपका जो कैमरा है वो घूम के मतलब अपना कैमरा का सही पोजीशन में आ जाएगा, मतलब पीछे तरफ आ जाएगा चाहे किसी भी एंगल में क्यों ना हो। दोस्तों ये जो एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जो कैमरा सॉरी जो फोन का जो शॉर्टकट बार है उसमें। तो दोस्तों ये सारे इंप्रूवमेंट जो है आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इस फोन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों और भी कई सारे इंप्रूवमेंट मतलब करा गया है, छोटा छोटा और भी कई सारे इंप्रूवमेंट करा गया है जिसके बारे में आपको मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जो मेन मेन इंप्रूवमेंट है उसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो सारी चीज़ आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका मन में कोई सवाल है सारी चीज़ को लेकर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम जरूर से जरूर कोशिश करेंगे आपका सवाल का जवाब देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी आपको अच्छा लगा, जो वीडियो है आपको अच्छा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त अपने फैमिली वगैरह ताकि जो जानकारी इसके बारे में उन लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो से जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना मैं आपके लिए ला दे रहा हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बगल में जो घंटी देखने को मिलेगा उसको भी दबा लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें कहा कि हमारे जो नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, मतलब दोस्तों हमारे जो नए नए वीडियोज का बिल्कुल ही मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो भी हमारे इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो तब तक जय हिंद वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।